राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार, डायरेक्ट वैदिक रेमेडी, सीधा ज्योतिष समाधान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कर्ज की स्थिति से निपटने के लिए आज मैं एक विलक्षण प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं। कर्जा दोस्तों छोटा हो या बड़ा हो, छठे भाव से हमारे संबंध रखता है। जब छठे और आठवें भाव का संबंध हमारे दूसरे और ग्यारहवें भाव से होता है तो कर्जे का योग बन जाता है। इसमें अब लगन और बारहवां घर जो खर्चों का रहता है, कितनी गहराई से इन्वॉल्व हैं और कौन कौन से घरों का छठे भाव पर प्रभाव है, उनकी तीव्रता पर निर्भर करता है कि हम कर्जे को आसानी से चुका देंगे या हम कर्जे के जंजाल में फंस जाएंगे। दूसरा घर आपके धन का रहता है, ग्यारहवां घर आपकी इनकम का रहता है, छठा घर कर्जे का रहता है और अष्टम घर विपत्ति और संकटों का रहता है और बारहवां घर लीगल कॉम्प्लिकेशंस का, आपके खर्चों का रहता है। तो जब छठे घर पर शनि मंगल का दूषित प्रभाव रहता है तो कर्ज चुकाना हमारे लिए एक चुनौती बन जाता है, वो हमारे लिए एक जंजाल बन जाता है। खून चूसने वालों के कर्ज देकर जो खून चूसते हैं उनके चक्रों में हम फंस जाते हैं अगर शनि मंगल का ज्वाइंट प्रभाव हमारे छठे घर पर रहता है। इसके साथ अगर राहु भी हो तो कर्ज लेने वाले आपका सामान उठाकर ले जाएंगे। जैसे आपने कार के लिए लोन लिया तो हर लोन एजेंसी के पास वसूली के लिए आदमी रखे हुए होते हैं, वो आपका सामान उठाकर ले जाएंगे। मतलब बेहद अपमानित आपको होना पड़ेगा अगर शनि मंगल राहु का नेगेटिव प्रभाव आपके छठे घर पर है और आपने कर्जा लिया। तो कर्जे की स्थिति से बचने के लिए आप कुछ सावधानियां रखें कि कर्जे को आप शनिवार को ना लें। शनिवार को लेने वाला कर्जा आपको बहुत लंबे वक्त तक उतारना पड़ सकता है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। 8, 17 और 26 तारीख को आप कर्जा मत लें। 14 और 9वीं तिथि को कर्जा मत लें। भद्रा तिथि को भी अवॉइड करें और आप कर्जे की जो किस्त हैं उनको मंगलवार को चुकाएं, चाहे 2-4 दिन पहले चुकानी पड़े कैश से या चेक से, आप मंगलवार को चुकाएं तो आप कर्जा जल्दी चुका पाएंगे। इन सब सावधानियों के अलावा आप एक विलक्षण प्रयोग नोट कर सकते हैं। अगर आप कर्जा चुकाने में बहुत परेशानी महसूस कर रहे हैं, बहुत तनाव चल रहा है, हर मंगलवार या शनिवार को आप बजरंगबली के सामने बैठें मध्य रात्रि के समय, रात 11 से 12 के बीच में, और उनको गुड़ और तुलसी दल इसका भोग लगाएं और 9 छोटे छोटे दीपक या एक बड़ा दीपक 9 मुखी चमेली के तेल का प्रज्वलित कर दें एक थाली में, और एक कागज़ पर अपना नाम, अपने पिता का नाम और गोत्र का नाम लिखें और उन नामों के ऊपर जय जय राम सीताराम लिखें और सबसे नीचे भी जय जय राम सीताराम लिखें। सबसे पहले जय जय राम सीताराम, फिर अपना नाम, फिर पिता का नाम, फिर गोत्र और फिर सबसे बाद में जय जय राम सीताराम। इस कागज़ को भी आप दीपक के साथ रख दें। इसके बाद दोस्तों आप 5 मिनट श्रद्धा से भगवान श्री गणेश का ध्यान करके राम राम इस महामंत्र का जप करें, राम 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 5 मिनट। इसके बाद आप 15-20 मिनट श्रद्धामय होकर एक ऋण हर महामंत्र जपें, हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। फिर से सुने दोस्तों, हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। इस महामंत्र का आप 15 से 20 मिनट जप करें। इसके बाद आप गुड़ को प्रसाद रूप में ले लें, तुलसा दल को भी, और गुड़ को प्रसाद के रूप में बांटे भी। प्रार्थना करें बजरंगबली से कि हे बजरंगबली संकट मोचन, हमें इस लायक बनाएं कि हम अपनी कर्ज की अदायगी कर पाएं। और दोस्तों उस कागज़ को आप एक रात के लिए अपने सिरहाने रख कर सो जाएं, जिस पर आप अपना नाम और जय जय राम सीताराम लिखा है। फिर सुबह उठकर नहा धोकर हनुमान मंदिर में ले जाकर केले के पौधे या तुलसी के पौधे या वट वृक्ष हो, बड़का वृक्ष हो, पीपल हो, कोई भी वृक्ष हो, आप हनुमान मंदिर के प्रांगण में साफ सुथरी जगह पर उस कागज़ को वृक्ष के नीचे रखकर वापस आ जाएं। 5-6 मंगलवार और शनिवार नहीं बीतेंगे दोस्तों, अद्भुत लाभ आपको मिलेगा इस विलक्षण प्रयोग को करने से, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। ये प्रयोग आप बिना किसी ज्योतिषी परामर्श के कर सकते हैं। कर्ज है बस कर लीजिए। घर में आपके कोई कर्जे से परेशान है तो आप उसके बिहाफ पे भी कर सकते हैं, उसके लिए भी कर सकते हैं, पति पत्नी के लिए कर सकता है, बाप बेटे के लिए कर सकता है, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। कर्ज है तो बस करिए बिना किसी परामर्श के डायरेक्ट। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।